नमस्कार मित्रों, तो बात करते हैं आज पितृ पक्ष के ऊपर। पितृ पक्ष यानी पितरों से संबंधित जो भी हमारे घर परिवार में जो स्त्री या पुरुष जिनका देहांत हो जाता है वो पितृ बनके हमारे ऊपर सदैव आशीर्वाद अपना बनाए रखते हैं। किसी त्रुटि की वजह से अगर वो हमसे गुस्सा हो जाएं या हमसे रुष्ट हो जाएं तो उसके लिए आपको विशेष कर तर्पण से उनको मनाना चाहिए। इस पितृपक्ष में उनका तर्पण दें और उनको जो आप पे पितृदोष आप पे लग रहा है किसी वजह से, उस दोष को आप दूर करें, उनको तर्पण देके। तो तर्पण आप किस प्रकार से कर सकते हैं ये विधि मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। इस विधि को ध्यानपूर्वक देखिएगा। कई बार व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार से समस्या आ जाती है कि वो ब्राह्मण द्वारा नहीं करवा सकते हैं या उनके घर के आसपास कोई ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, तो वो इस विधि को किस प्रकार से अपने घर पे कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। ये सरल विधि द्वारा ये तर्पण आपको मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक आप देखिए। इसमें क्या क्या सामग्री पहले प्रयोग होगी आप पहले देखते हैं, इसमें कौन कौन सी सामग्री ऐसी हम प्रयोग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी सामग्री है हमारे पास जिनको हम प्रयोग में लाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम जल से। एक लोटा आप जल लेंगे, उसमें दूध आप डालेंगे थोड़ा सा। सर्वप्रथम आपने एक लोटा जल लिया, उसके बाद अब उसमें दूध डालेंगे। थोड़ा दूध डालने के बाद थोड़े से आप तिल उसमें डालेंगे। तिल डालने के बाद थोड़े जौ उसमें आप डालेंगे, आप देख सकते हैं। थोड़े से चावल उसमें डालेंगे जो साबुत होने चाहिए, साबुत चावल का ही प्रयोग करें। तथा थोड़ा सा चंदन, इसमें पीला ही चंदन आप यूज़ करें, सफ़ेद अथवा पीला चंदन आप यूज़ करें थोड़ा सा। और जो कुशा है आपके पास, इस कुशा से इसको थोड़ा सा मिला लेंगे आप। उसके बाद इस प्रकार से कुशा को अपने हाथ में लेंगे और इस प्रकार से आप कुशा को अपने हाथ में रखेंगे और ऐसे उसको अपने अंगूठे से दक्षिण की तरफ ऐसे अंगूठे से उसको दबा लेंगे और ऐसी मुद्रा आप बना लेंगे। ये मुद्रा विशेष पितृ तर्पण के लिए प्रयोग की जाती है। ऐसी मुद्रा आप बना लेंगे, उसके बाद सर्वप्रथम इस प्रकार से एक दो तीन अंजलि आप देंगे। तीन अंजलि आपने दी, प्रथम ब्रह्मा जी के लिए, दूसरी विष्णु जी के लिए, तीसरी जो आपने दी वो शिव जी के लिए दी, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं से हम उत्पन्न हुए हैं, सारी सृष्टि को चलाने वाले त्रिदेव हैं, इसलिए प्रथम उन्हीं को जाती है। अब इसके पश्चात आप सात जो चिरंजीवी हैं, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपाचार्य परशुरामश्च सप्तेति चिरजीविना, प्रथम जो आप देंगे अश्वस्थामा जी को देंगे, दूसरी जो अंजलि देंगे आप बलि जी को देंगे, तीसरी जो अंजलि देंगे आप व्यास जी को देंगे, हनुमान जी को देंगे, विभीषण जी को देंगे, कृपाचार्य जी को देंगे, अंत में परशुराम जी को देंगे। ये आपकी सर्वप्रथम अंजलियाँ हो गई, सात अंजलियाँ आपने दी। अब इसके बाद आपको अपने पितरों का ध्यान करना है। अपने मन में अपने पितरों का ध्यान करते हुए जो भी आपके पितर बन चुके हैं, जो भी आपके परिवार में सगे संबंधी, जो भी आपके पितृ पक्ष की तरफ से जो भी आपके सगे संबंधी हैं, उनको उनका ध्यान करते हुए सबसे पहले जिनको आप तर्पण देने वाले हैं उनका ध्यान करें और उनका नाम लेके उनका गोत्र, अपना गोत्र और जो गोत्र चला आ रहा है आपके परिवार में, वो उन गोत्र का नाम लेके उनको आप ऐसे जल लेंगे और तीन बार उनको अंजलि देंगे। ऐसा प्रति जिनके प्रति भी आप तर्पण करना चाहते हैं उनको आप ऐसे तीन बार अंजलियां प्रदान करेंगे, तर्पण प्रदान करेंगे। और ये प्रदान करते हुए आपको ये मंत्र जरूर बोलना है, तृप्यंताम तस्य पितृभ्यो तृप्यंताम।
ये तृप्यंताम मतलब तर्पण देने की, हम आपको अपने जो भी अपनी श्रद्धा है उस भक्ति से हम आपको तर्पण दे रहे हैं, इसको कृपया स्वीकार करें, इस अंजलि को स्वीकार करें, इस जल को स्वीकार करें और अपनी जो कृपा है हम पे आप बनाए रखें। इस प्रकार से आपको ये तर्पण करना है और ये बहुत सरल विधि है, इसमें आप कोई ऐसा मंत्र नहीं है विशेष, कोई ऐसी पूजा नहीं है जिसमें आपको ऐसा कुछ क्लिष्ट आपको लगे, ये क्रिया आप करें। उसके बाद जितना भी जल आपके पास बचे उस जल को ये कुशा आप उसी में रख देंगे और जितना भी जल आपके पास बचा है उस जल को किसी ऐसे स्थान में आप किसी ऐसे स्थान में आपको प्रवाहित करना है जो पवित्र हो, जहाँ पे कुछ अशुद्धि ना हो उस जगह पे आप इसको प्रवाहित कर देंगे, किसी भी वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे अपने पितरों से कि वह सदैव इस पितृ पक्ष में हमारे घर में पधारें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारे पितृ दोषों को दूर करें, सभी अनिष्टों को वो अपने साथ अपने धाम ले जाएं और हमें अच्छा फल प्रदान करें। पुनः मैं आपके समक्ष ऐसी कुछ विधियां पूजन से संबंधित या किसी भी धर्म से संबंधित जानकारियां या पूजन मैं आपके सामने पुनः लेके आऊँगा। धन्यवाद।